हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। सो आज के वीडियो में हम लोग ट्राई करने वाले हैं बर्गर्स। सो बेसिकली नॉट अ नॉर्मल बर्गर, सो हम कंपेयर करने वाले चीप वर्सेस एक्सपेंसिव। और दो वर्जन नहीं है, वी हैव 3 to 4 कैटेगरीज अमाउंट को लेके, और हम जज करेंगे उसके टेस्ट पे, उसकी प्रेजेंटेशन पे और पूरा वैल्यू, लाइक हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा उसके ऊपर। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड और शुरू करते हैं। तो काफ़ी रिसर्च के बाद पता चला कि ताज पैलेस में मिलता है दिल्ली का सबसे एक्सपेंसिव बर्गर अराउंड 1500 रुपीज़। तो लेट्स चेक इट आउट कि हमारा ऑल ओवर एक्सपीरियंस यहाँ पे कैसा रहता है। ओके, सो फॉर आवर मोस्ट एक्सपेंसिव बर्गर वी आर हियर एट ताज पैलेस कैपिटल किचन में, एंड इसका प्राइस है 1350 एक्चुअली। ऑनलाइन इट वॉज 1350, नाउ इट इज़ 1400। टेक्स टूक्स लगा कर जो भी होगा आपको फाइनल एंड उसका प्राइस बता देंगे। द वाइब इज क्वाइट बूजी, बाकी बर्गर जब आएगा वो दिखाएंगे कि हाउ इज इट प्रेजेंटेशन वाइज, टेस्ट वाइज, एंड ऑब्वियसली उसका लाइक ऑल ओवर एक्सपीरियंस। लेट्स एक्सप्लोर कि ये वाला बर्गर कैसा है। Alright, so our burger is here. सबसे पहले बात कर रहे हैं उसकी प्रेजेंटेशन की कि ये दिखने में कैसा लग रहा है। तो भाई इट इज़ क्वाइट टेम्पटिंग, आई मीन साइज और प्राइस एवरीथिंग इज। देन बात करते हैं हमारे इस बर्गर के टेस्ट की, तो लेट्स हैव अ बाइट। बड़ी इसके अंदर हमारे पास टमाटोज है, एलोपिनोज है, भाई बन के ऊपर नीचे कुछ लाइक आई गेस मेयो है या फिर चीज़ है। लेट्स हैव अ बाइट। क्या झूठी वगैरह है, नाइस। ओके, सो अगर हम बन की बात करें ना, तो उसके बड़ा ही ऐसे बर्न्ट टाइप, चारकोल टाइप फ्लेवर। पैटी इज वेरी 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 जूसी, देखो ये पूरा नीचे गिर गया उसका जूस। वेजिटेबल्स आर क्वाइट फ्रेश, आई मीन वर्थ अ ट्राई। बहुत सॉफ्ट, बहुत फ्रेश और है हाई टेस्ट। आई कैन मतलब मैं से वेट नहीं हो रहा, मैं एक और वाइट कम है रही हूँ इसका। ओके, सो मैन हमने अपने बर्गर की बात तो कर ली कि हाउ इज इट, लाइक पैटी बहुत जूसी है, वेट फ्रेश है, और जो बन है उसमें बहुत स्मोकी और बर्न सा फ्लेवर है। लेट्स टॉक अबाउट माय प्राइस। सबसे पहली बात ये प्राइस इतने सुंदर लग रहे हैं भाई, इतने गोल्डन गुड ऑल्सो। हमारे पास ये आई मीन कोल्ड लेट्यूस वाली सैलड भी है, इसको भी टेस्ट कर लेते हैं, बिकॉज भाई पूरे पैलेट का टेस्ट बता देंगे ना आपको। सिट्रसी, टैंगी, दिस इज ऑल्सो नाइस। सो या आई विल रेट दिस बर्गर 10 out of 10 बिकॉज इट इज क्वाइट एन बर्गर, लाइक है भाई। अगर आप आ रहे हो एक्सपीरियंस के साथ, बर्गर की वाइब भी इंजॉय करोगे, तो काइंड ऑफ गुड, मज़ेदार है। सो अगर हम इसकी टेस्ट की बात करें तो 10 on 10, प्रेजेंटेशन इज़ ऑल्सो 10 on 10, और टोटल एक्सपीरियंस इस जगह का एंड वैल्यू पूरे उसकी। सो या इट इज़ अ वैल्यू फॉर मनी ऑल्सो, बिकॉज अगर आप इतना पे कर रहे हो तो एक्सपीरियंस के साथ साथ टेस्ट भी मिल रहा है एंड वाइब इज़ ऑल्सो नाइस। सो या दैट वॉज इट फ्रॉम कैपिटल किचन। अब हमारे मिड रेंज के बर्गर के लिए हम लोग जा रहे हैं अकूज डिफेंस कॉलोनी। तो ये बर्गर इंटरनेट पे काफ़ी फेमस तो है, तो लेट्स चेक इट आउट कि यहाँ हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहता है। ओके, सो नाउ वी आर एट अकूज फॉर अवर मिड रेंज बर्गर, एंड इट इज लाइक दिस। आपको प्रॉपर में पैक करके दिया गया है, लेट्स अनबॉक्स दिस थिंग। भाई साहब, ऐसा था। सो यहाँ पे हम लोगों ने ऑर्डर किया उनका वेज ऑप्शन में से ट्रफल मशरूम, जिसका कॉस्ट इज़ अराउंड 475, बिकॉज एक जगह हमने नॉन वेज खा लिया है, तो लेट्स ट्राई
वेज ऑप्शन ऑल्सो बिकॉज वाई नॉट. तो भाई सबसे पहली बात, इसके बन पे सेसमे सीड है, दैट इज़ लाइक वेरी टेम्पटिंग. बस लेट्यूस है, अनियन है एंड चीज़ भी है. और खा के बताते हैं कैसा. स्मेल इज वेरी गुड. ओके, सो इसके अंदर मशरूम का एज सच स्ट्रॉन्ग फ्लेवर नहीं, बट अगर आपको मशरूम पसंद है तो पसंद आएगा, अगर वेज ऑप्शन बात करें तो. और जो इसके जो अनियंस हैं वो बहुत ऐसे स्वीट टेक्सचर पे हैं. पहली बार ही मशरूम बर्गर ट्राई कर रही हूँ एंड इट इज़ नाइस. आई रेटेड 8 out of 10. तो अगर आप आ रहे हो वेज ऑप्शन में, अगर चाह रहे हो कि खाना है तो इट इज़ नाइस, बुरा नहीं है. चिकन की कंपैरिजन में 8 दे रही हूँ तो हाँ भाई अच्छा है. बट अगर मशरूम पसंद नहीं है तो यहाँ पे और भी ऑप्शन हैं. फिश भी है, लैम्ब भी है और ऑब्वियसली चिकन भी है. तो यार 8 out of 10. अगर और ऑल्सो अक्कू की हाइप बहुत ज़्यादा है, तो उस हाइप के हिसाब से इट इज़. वही बात है ना, डिफेंस कॉलोनी जाओ और केंट का बर्गर ना खाओ, तो एक चांस हम केंट को भी दे देते हैं. लेट्स चेक इट आउट कि इनका बर्गर कैसा है. सो नाउ वी आर हियर एट ओजी केंट. तो अगर आप डिफेंस कॉलोनी में तो आपको पता होगा व्हाट इज केंट. सो दिस प्लेस इज फेमस फॉर इट्स बर्गर एंड एवरीथिंग एल्स. सो हमने ऑर्डर किया उनका चिकन बर्गर, इसका कॉस्ट इज अराउंड 190 एंड लेट्स हैव अ बाइट नाउ. वी हैव मेयो, लेट्यूस, चिकन एंड या दैट इज इट. चिकन इज क्वाइट सॉफ्ट, जूसी, फ्लेवरफुल एंड एक सौ नब्बे बुरा नहीं है यार. आपको एकदम क्वालिटी ऑफ चिकन फील हो रहा है. आई रेट इट 7.5 out of 10 बिकॉज इसके अंदर थोड़े और वेजेस होते तो मे बी दैट. ओके, सो आई एम बैक होम एंड दिस इज आवर लास्ट बर्गर ऑफ द डे. को मैंने इसे बुरी तरीके से काट दिया, नहीं करना चाहता मुझको. सो दिस इज़ फ्रॉम बर्ग ग्रिल, इट्स अ क्लाउड किचन एंड हमने उनका ऑर्डर किया चिकन स्टिक बर्गर. ये आखिरी है तो ऑब्वियसली ये सस्ता है. इट इज़ 4 rupees 70, द चीपेस्ट वन. क्यूट कलर कॉम्बिनेशन बाय द वे. एनीवेज इनके साथ इन्होंने दी है एक ओजी सॉस ऑफ बर्ग ग्रिल, एक बर्गर. सो लेट्स जस्ट ओपन इट एंड लेट्स सी हाउ इज एवरीथिंग. सो दिस इज हाउ द बर्गर लुक्स, फुल ऑन सेसमी सीड्स एंड एक पैटी है, लेट्यूस है एंड मेयो है. लेट्स हैव अ बाइट. ओजी सॉस डालेंगे या कांगड़ी. ऑलराइट, लेट्स ड्रॉप इट. ओके, इट्स सिमिलर टू अ मेयो, ऑरेंजी ऑरेंजी कलर की है ये. लेट्स हैव अ बाइट. भाई सही में अच्छा है. इसमें कुछ ब्राउन बन है वैसे समय सीध. चिकन की जो पैटी है दैट इज़ वेरी फ्लेवरफुल, बट रियल टेस्ट इज दिस. ये सम सॉर्ट ऑफ मेयो या कुछ तो है इसमें, बहुत टैंगी सा फ्लेवर है, बारबेक्यू काइंड ऑफ थिंग. इट इज़ वेरी यम्मी. लेट मी हैव अ लास्ट बाइट ऑफ दिस थिंग. आधा खाऊंगी मैं, पूरा नहीं खाया जा रहा मेरे से. बहुत बढ़िया, 70 rupees में अच्छा है. अगर आप कुछ ढूंढ रहे हो स्नैकिंग करने के लिए, बर्गर इज़ अ नाइस ऑप्शन. आई रेट इट अराउंड 8 out of 10 बिकॉज द क्वालिटी ऑफ बन इज़ वेरी गुड. चिकन की जो पैटी है दैट इज़ ऑल्सो सॉफ्ट एंड क्रंची, हल्का ठंडा हो गया बिकॉज पैक कराया मैंने. सो या ये थे हमारे सारे बर्गर्स. सो भाई अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो यू शुड नो कि अगर आप किसी महंगी जगह पर जा रहे हो देर इज़ एन एक्सपीरियंस उसकी वाइब का, उस जगह का. सो या मुझे केंट का थोड़ा बर्गर हाइप्ड लगा. आई मीन दिस इज़ बेटर एंड ये उससे सिमिलर है, सेम चीज़ है दोनों में. तो इफ़ केंट और बर्गर ग्रिल में चूज़ करना हो तो आई विल बी चूजिंग बर्गर ग्रिल. और अगर ताज का गौ में बर्गर और अक्कू तो देन भाई ताज इट इज़. उनका
फिर उन्होंने पैसे लिए हैं तो उन्होंने आपको बर्गर की क्वालिटी और बन सब कुछ दिया है भाई, बहुत फ्लेवरफुल था. सो या दैट वॉज इट फॉर दिस चीप वर्सेस एक्सपेंसिव वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. पसंद आए तो लाइक करके जाना, कॉमेंट करके जाना एंड बता के जाना कि विच वॉज योर फेवरेट पार्ट एंड बताना कि कौन सा बर्गर आपकी इच्छा है आप ट्राई करोगे. या दैट वॉज इट. बाय बाय एंड कमेंट ऑन बिलो कि अगला चीप वर्सेस एक्सपेंसिव मैं क्या करूँ. बाय.